आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सभी को सलाम, ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज इस चैनल का नाम बेसिक टीचिंग रखा है, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों की क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि बपतिस्मा क्या है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, वचन कैसे पढ़ें, दुआ कैसे करें, राइट चर्च कैसी है, प्रभु बोझ क्या है, एक कैसे लीडर को हमें फॉलो करना चाहिए। वो सारे वीडियोस हमने डाले हैं, आप एक एक करके देख सकते हैं और हर वीडियो के साथ एक आर्टिकल भी है। सो आज मैं एक बार फिर से आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं, और आप जानते होंगे आज के वर्ड का नाम है यह करो और प्रभु में सचमुच बढ़ोगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम में से बहुत सारे जो लोग हैं वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगता नहीं है कि हमें जितनी ग्रोथ हमारी होनी चाहिए थी आज हमारी उतनी ग्रोथ नहीं हो पाई है। आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, इसका सिर्फ चर्च पे जिम्मेदारी नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल चर्चेस के अंदर भी लोगों को बड़े शारीरिक जिंदगियां बिताते हुए देखा है, और मैंने कहां कहां पर ऐसा देखा है कि बहुत अच्छी टीचिंग मिल रही है लेकिन लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा क्यों हो रहा है और सचमुच आप प्रभु में किस तरह बढ़ सकते हैं, मैं उसके लिए आपको समझाना चाहता हूं। याद रखिए, वचन सुनना एक बहुत अच्छी बात है, वचन को सुनने के बाद लिख देना उससे भी अच्छी बात है, और वचन को सुनकर लिखकर अपने मुंह से कबूल करना ये उससे भी उत्तम है। लेकिन बहुत बार हम वचन को सुनने के बाद कुछ निर्णय नहीं लेते, यहीं पर हमारी जो उन्नति है वो रुकी हुई है। बाइबल भरी पड़ी है ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने वचन को सुनने के बाद कुछ निर्णय लिए, और परमेश्वर ने उनके सुने किए गए निर्णयों को बड़ी आशीष दी और उन्हें बड़ी बरकत दी और उन्हें अनुग्रह दिया। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं और उसके बाद मैं आपके साथ प्रैक्टिकली कुछ बात करना चाहता हूं। पहली चीज, प्रभु में बढ़ना होता क्या है? प्रभु में बढ़ने का मतलब होता है, अगर आप नए नए हैं तो आप पहले बाइबल को पढ़ें, प्रार्थना करें, हर दिन वचन को याद रखें, लिखें, उसे मनन करें। ये एक नए विश्वासी को सिखाया जाता है, लेकिन पुराने विश्वासियों को हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु में सिर्फ बढ़ना ये है। या अगर एक व्यक्ति 2-3 साल से आ रहा है, अब तक वो बेसिक सीख रहा है, सिद्धांत सीख रहा है, लेकिन अगर किसी को 8-10 साल हो गए हैं तो उसके लिए ये लेवल नहीं है। उसके लिए लेवल है कि क्या उसके चरित्र में हर दिन क्या यीशु मसीह का स्वभाव आ रहा है। सिंपल, जैसे कि यीशु ने कहा, तुम सुन चुके थे कि तुम व्यभिचार न करना, तुम किसी को छूना मत, पाप मत करना, पर मैं तुमसे कहता हूं तुम अपने मन में भी किसी को सोच के बुरा मत सोचना। ये एक ग्रोथ है, ये एक यीशु का स्वभाव है कि वो कभी स्त्रियों पे बुरी नजर नहीं डालता था, वो अपने आप को उसने पवित्र रखा था, और वो हमें वही सिखा रहा है। ये पुराने लोगों की उन्नति है। अब जानते हो उन्नति कहाँ रुकी हुई रहती है? जब आप वचन को सुन लेते हो, लेकिन उसको सुनने के बाद कभी आप उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लेते, आप कोई डिसीजन नहीं लेते। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा, तो क्या आपने देखा कि परमेश्वर ने सारे बगीचे में एक ऐसा पेड़ रखा जिसके लिए उसने उसे मना किया कि इसे मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम इसे खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे, उससे अलग हो जाओगे। परमेश्वर देख रहा था कि आदम क्या चुनाव करेगा, लेकिन आप जानते हैं वो बहक गए, वो दोनों बहक गए, और उन्होंने गलत चुनाव किया, और उनके चुनाव का नतीजा क्या आया? वे बाहर निकाल दिए गए। उसके बेटे ने उसके दूसरे बेटे को, भाई भाई को मार रहा था। उसके बाद लोग घमंडी होते गए, व्यभिचारी होते गए, और आहिस्ते आहिस्ते लोगों ने गुनाह से दोस्ती कर ली। आप जानते हैं उसके बाद आप बाइबल के अंदर मूसा के बारे में पढ़ सकते हैं। जब मूसा इसराइल को लीड कर रहा था, उनकी अगुवाई कर रहा था, तब एक टाइम ऐसा आता है जब मूसा उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारे सामने सब कुछ रख देता हूँ, अगर तुम इसकी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तुम्हें जीवन मिलेगा, और नहीं मानोगे तो ये सारे श्राप जो नचा हो तो भी आप पढ़ेंगे। क्या चुना उन्होंने? हमेशा गलत।
मूसा ने अपना अंत इस तरह किया, और मूसा ने तो अंत में उन्हें चुनाव करने के लिए भी बताया कि मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुनो। आप और आगे पढ़िए, आपको डैनियल नामक एक व्यक्ति मिलेगा जिसने अपने सामने रखा हुआ भोजन, जो एक यहूदी को, आप जानते हो पुराने नियम के अंदर बहुत सारी चीजें खाने के लिए मना थी, पर जब हम नया नियम पढ़ते हैं तो प्रभु ने हर चीज को शुद्ध ठहराया है। हाँ, हम किसी के सामने चढ़ाया हुआ नहीं खा सकते, लेकिन आप जानते हो कि अगर मार्केट में आप कुछ भी ले रहे हो तो, और कोई भी चीज आप खा सकते हो। डैनियल को पता था कि वो यहूदी होने के नाते वो सब नहीं खा सकता, और राजा ने उसके सामने एक ऐसा भोजन रखा जो एक यहूदी के खाने के लिए ठीक नहीं था, पर उसने निर्णय लिया वो नहीं खाएगा। आप और आगे पढ़ सकते हो मरियम के बारे में, कि कैसे जीसस उनके घर में गया और मार्था ने डिसाइड किया कि वो यीशु के लिए कुछ बनाएगी, और मरियम उसके पैरों पर बैठी थी और वो खुदा का कलाम सुन रही थी। यीशु ने कहा, देखो जो मरियम ने चुना है वो उसे छीना नहीं जाएगा। आप और आगे पढ़ सकते हो कि कैसे जकई जब यीशु से मिलता है तो वो अपना सब कुछ दे देता, देने के विचार में एक बात कहता है कि जिनको मैंने लूटा है मैं उनको वापस कर रहा हूं, और उसने एक रुपया भी नहीं दिया था अब तक, लेकिन यीशु ने कहा, देखो आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप हर जगह पे देखिए, जहां पर सही चुनाव आया वहां अनुग्रह भी आया, और जहां पर गलत चुनाव किया गया और वो काम किया गया वहां मौत भी आई। मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं जो वचन लूका के 10वें अध्याय में है, क्योंकि अगर मैं विदाउट रेफरेंस बात करूं तो मुझे लगता है ये संदेश हल्का हो जाएगा। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ रहा हूं, लूका 10 अध्याय और उसका 42वां वचन। परंतु एक बात जरूरी है, आवश्यक है, और उस उत्तम बात को जो मरियम ने चुन लिया है उससे छीना न जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि उसने कुछ चुना है। जितने भी लोगों की मैंने बात की उन लोगों ने कुछ बोला चुनाव करने के लिए, आज हमारी बारी है। आप जानते हैं हम क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि हम कई बार निर्णय नहीं लेते। हम जो चुनाव करते हैं उसके ऊपर हम कुछ निर्णय नहीं लेते। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो कुछ आपके सामने रखा जाता है, एक चुनाव करिए, एक निर्णय लीजिए जिंदगी में। आप जानते हो क्यों कुछ लोग प्रभु में बढ़ पाते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ चुनाव किए और निर्णय लिए। आप जानते हो कुछ निर्णय बड़े आसान हैं, जैसे कि आप फोन कम यूज करेंगे, आप पेट नहीं भरेंगे, आप जस्ट भूख मिटाएंगे। आप जानते हो कुछ लोग पेट भरते हैं, कुछ लोग भूख मिटाते हैं। या आप एक और निर्णय लेते हैं कि आप थोड़ा कम सोएंगे। आप देखिए, ये छोटे छोटे निर्णय हैं, ये छोटे छोटे डिसीजंस हैं, ये छोटे छोटे चुनाव हैं जिससे आपकी ग्रोथ होती है। आपने वचन सुन लिया, आपने तालियां बजाई, आपने आमीन कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रो कर रहे हैं। ग्रो होना चुनाव और निर्णय के साथ होता है। कई बार आप वचन सुनते हैं लेकिन वो आपकी जिंदगी में नहीं आता, वचन देदारी नहीं होता, मात्र उसके लिए तालियां बजती हैं, उसे अप्रिशिएट किया जाता है, वाह बहुत अच्छी प्रीचिंग थी, पर चुनाव और जो निर्णय आप लेते हैं, डिसीशंस आप लेते हैं, वहां से आपकी उन्नति स्टार्ट होती है। आज आप अपने आप से पूछिए, क्या आप वचन सुनने के बाद छोटे छोटे निर्णय लेते हैं, छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं लाइफ में? जैसे कि कम खाना, कम फोन यूज करना, कम सोना, अननेसेसरी बात मत करना। अगर टीवी में कुछ गलत चल रहा है तो वहां से उठ के चले जाना, लेकिन गंदा नहीं देखना। अब कभी कभी गीत चला के रख देते हैं अपने पास में और काम भी करते रहते हैं। ये छोटे छोटे निर्णय आपको एक महान जिंदगी को जीने के लिए तैयार करते हैं। यीशु ने कहा, जो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं, परमेश्वर उसे बड़ी बड़ी चीजों का अधिकारी कैसे बनाएगा? अगर मैं 5 मिनट की दुआ नहीं करता हूं तो क्या मैं उस परम पवित्र स्थान, वो पर्दा जिसको यीशु ने अपनी मौत के द्वारा फाड़ा, मैं उसमें कैसे प्रवेश कर सकता हूं? आज अपने आप से पूछिए, क्या आप हर दिन, ऐसा नहीं है कि आपने 3 दिन पहले कोई निर्णय लिया उसका निर्णय क्या बेनिफिट आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। हर दिन निर्णय लेने पड़ते हैं। मैं हर दिन निर्णय लेता हूं कि मैं बाइबल पढ़ूंगा,
मैं प्रार्थना करूंगा, मैं कभी कभी उपवास करूंगा, मैं प्रभु की आराधना करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि जहां पर मुझे बात नहीं करनी चाहिए मैं वहां शांत रहूं, और जहां मुझे बात करनी चाहिए मैं वहां पर बोलूं। जिंदगी इस तरह जी जाती है, मात्र वचन सुनना और निर्णय न लेना वो आपकी उन्नति को रोक देता है। आज अपने आप से पूछिए, क्या आप एक निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं? क्या आप डिसीजन मेकर हैं? यहीं पर उन्नति रुकी रहती है। आज की पीढ़ी बहुत फोन यूज करती है, बहुत खा रही है, बहुत सो रही है, बहुत गॉसिप कर रही है। कई बार हम टीवी देख लेते हैं। मैं आज भी कहता हूं, मैं कल भी कहता था, अगर हम अपनी बाइबल को मोबाइल की तरह यूज करते तो हम पता नहीं आज कहां होते। जितना हमारा ध्यान हमारे फोन पर है, उतना ही ध्यान अगर हमारा परमेश्वर के वचन पे होता तो हम आज एक परमेश्वर के दिल के करीब व्यक्ति होते, और परमेश्वर हमें भी इब्राहिम की तरह अपना मित्र कहता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चाहे आदम हो, चाहे दानियल हो, चाहे मूसा हो, चाहे मैरी और मार्ता हो, चाहे जकई हो, सबने निर्णय देखे, सबने डिसीजंस लिए कि यस मैं ये करूंगा, और उन्होंने वो किया और वो आगे गए। आज हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है कि क्या सुनी हुई बातों को करने के बाद क्या मैं कुछ निर्णय लेता हूं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सेवकाई करते करते इतने फ्लो हो गए हैं, इतने बह गए हैं कि जिसकी आप सेवा कर रहे हैं अब आपको उसके लिए ही समय नहीं है? यहीं से बैकस्लाइडिंग स्टार्ट होती है। फिर आप देखिए, लोग हमें कुछ कहते हैं, हमें हर्ट होता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों की उन्नति करते 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 करवाते करवाते हम खुद पीछे हो रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब भी कुछ पढ़ रहे हो, जब भी कुछ सुन रहे हो, उसे उसको उसके उसके ऊपर निर्णय लीजिए। इसी से आप उन्नति करेंगे। कम खाना आपको बीमार नहीं करेगा, वो आपको हेल्दी लाइफ देगा। आप करके देखिए, पेट भरने से इंसान जो है वो मोटा हो जाता है, लेकिन जो भूख मिटाता है, आप देखिए। मैं उम्मीद करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा। हमेशा की तरह मैंने आपके लिए आज भी एक आर्टिकल लिखा है। अगर आप चाहते हैं कि वो आर्टिकल आपको मिले तो आप इस नंबर पे, जो इस समय अभी स्क्रीन पर आया हुआ है बड़े अक्षरों से, आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं, मुझे बढ़ना है, और मैं आपको वो आर्टिकल दे दूंगा जो हिंदी और इंग्लिश में है। और यदि आज के वचन के द्वारा आपने कुछ लर्न किया, सीखा, तो जरूर आप इस मीटिंग के बाद हमें कमेंट करके बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हम ये बेसिक टीचिंग कंटिन्यू रखें तो भी हमें बताएं। मैं उम्मीद करता हूं आपने कुछ जरूर लर्न किया होगा। खुदा आपको बहुत ब्लेस करे। आप सभी को जय मसीह की।